So hello guys, welcome back to another vlog. I hope you are doing good. So as I am doing good in Banaras, actually Varanasi बोलने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा. मज़ा क्या आ रहा है वो एक फील नहीं आ पाता है वाराणसी बोलने में. तो मैं बोलता हूँ बनारस. बनारस ज़्यादा सही है. और बनारस के व्लॉग आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहे हो. सो राइट नाउ मैं हो चुका हूँ रेडी. इस बनारस के ट्रिप में बहुत ही मज़ा आया. इतने डिफरेंट पीपल से मिले, डिफरेंट प्लेसेस पे गए. और मतलब इस हॉस्टल में रहने के बाद आई रियलाइज दैट कि यार क्यों ना हर जगह डॉर्मेट्री खोज के और उसी में रहा जाए. क्योंकि यार मुझे मन करता है कि ऐसे डिफरेंट प्लेसेस में रहना. लिटरली दिल खुश हो गया यहाँ पे रहके. तो चलते हैं रिसेप्शन पे. मैं भी आप हो जाओ रिसेप्शन पे. और रिसेप्शन पे हैं आशीष भाई. गो स्टॉप्स वाराणसी जहाँ पे मैं रुका हूँ. लिटरली फर्स्ट टाइम डॉर्मेट्री में मैं रुका और बहुत ही मज़ा आया. थोड़ा सा लॉन्ग स्टे हो गया है उस चक्कर में ये जाने का मन नहीं कर रहा था. फिर से 5 दिन का तो ऑलरेडी टूर बना के लेके आया था. लेकिन मैंने सोचा कि यार लोग अच्छे मिलते गए और कारवा बनता गया. ये हैं आशीष भाई यहाँ पे रिसेप्शन पे बैठते हैं. तो आशीष भाई क्या कहना चाहोगे आप? हेलो. अबे तुम हेलो बोलो, इधर बोलो इधर बोलो. मैं ये चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं मैं उनको अच्छी सर्विस दूँ. और आई होप कि मैं ऐसा करता हूँ कि सर जा रहे हैं कुछ अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे. हमारा जितना भी ब्रांचेस है सबको विजिट करेंगे और इनका जर्नी जो है खुशहाल रहे और हैप्पी जर्नी के साथ मैं इनको विदाई करूँगा. बट आशा करूँगा कि सर हमारे पास दोबारा ज़रूर आए और स्टे करें. और अभी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है जो कि हमारे सर ट्रेवलर है और बाइक से ट्रेवल करते हैं. कहाँ कहाँ जा रहे हैं कहाँ कहाँ नहीं, ये बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना करते हैं. और जिसकी वजह से धूप है अभी बहुत. अभी ठंड का मौसम है बट वाराणसी में बहुत ज़्यादा धूप है इस समय, जिसकी वजह से जाते जाते बहुत लेट हो रहा है सर को. और आई होप कि जहाँ जा रहे हैं सही सलामत पहुँच जाए. और हैप्पी जर्नी, सेफ ट्रेवल सर. थैंक यू सो मच. और डिस्क्रिप्शन में मैं गो स्टॉप्स वाराणसी का मैं लिंक डाल दूंगा और जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं. और आशीष भाई का नंबर भी डाल दूंगा जो यहाँ का परमानेंट नंबर है. आप अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो उस बुकिंग से भी कर सकते हैं. उस नंबर से भी आप कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन जाके भी आप कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं. तो चलो. और ये हमारे दो भाई, एक माथुर साहब और एक है विनोद भाई. बहुत ही अच्छे पर्सन, बस सुबह शाम तक लगे रहते हैं यहीं पे. इसको बुकिंग करना चाहो आप बुकिंग कर सकते हो. डिस्काउंट मत मांगना यार, क्योंकि 100, 150 और 300 रुपए तक ही तुमको डॉर्मेट्री मिल जाता है और अच्छा एकोमोडेशन मिलता है पर नाइट 200, 300 और ऐसे ही इसी रेट पे है. तो इसमें कोई डिस्काउंट मांगने वाली कोई बात नहीं है. तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी डिस्काउंट फ्रॉम हेयर और फॉर यू गाइज. यहीं पे करते हैं बाइक लोडिंग और बाइक लोड करके निकलते हैं अपने गंतव्य की ओर. सो अभी आशीष भाई की रिक्वेस्ट पे एक छोटा सा वीडियो इनके लिए शूट करना है. तो वही मैंने सोचा कि अपने व्लॉग में भी डालेंगे. तो ये मैं हूँ और ये मेरा गो स्टॉप्स है और ये मेरी बाइक है. तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ. ठीक है. मैं निकल चुका हूँ बनारस से. फरवरी का टाइम चल रहा है, इतनी गर्मी है भाई मेरे, मतलब क्या बताऊँ. बनारस आना मेरा सफल हुआ. घूमने के लिए आया था और घूमा टहला बहुत ज़्यादा. स्ट्रीट फूड में खाने लायक, दिल खुश हो गया यार. मतलब इतना बढ़िया खाना मैंने कभी खाया नहीं था. जो मैंने एक्सपीरियंस किया बनारस में आके, लिटरली आप लोगों को एक बार ज़रूर बनारस आना चाहिए. हालांकि आप एक दो दिन के अंदर जो है आप बनारस पूरा टहल सकते हैं. हाँ, मेरा थोड़ा सा स्टे ज़्यादा हुआ. बनारस सिटी को मतलब बहुत ही बेहतरीन है. बस यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि
आप अगर बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो भाई आपको बच के चलना पड़ेगा, आपको खुद से ही बच के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल्स हैं इतनी बेकार तरीके से बाइक चलाते हैं। हम सॉरी अगर आप बनारस से हैं, अगर आप बनारस से सुन रहे हैं, कोई भी कभी भी कैसे भी मोड़ देता है भाई। और बनारस में बाइक से और गाड़ी से टहलने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ टूटेगा ज़रूर भाई मेरे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा और इस तरीके से बाइक चलाते हैं लोग, कभी भी किधर भी किसी भी डायरेक्शन में मोड़ देंगे। और सिर्फ इन लोगों का मतलब सिर्फ यहाँ पे एक ही डायलॉग है, का हो चाचा सही से चला लो, मतलब खुद अगर खड़े हो और खुद अगर साइड से धीमे ही चल रहे हो ना, तो अगर ये सामने से मोड़ेंगे और बोलेंगे भी तुम ही को। ओके, सो टाइम हो रहा है 10:15 और मैं निकल चुका हूँ इलाहाबाद। सो मुझे अभी निकलना है लखीमपुर खीरी के लिए, और लखीमपुर खीरी इलाहाबाद से करीब 364 किलोमीटर दिखा रहा है, 364। अरे गूगल चाची बताओ भाई किधर जाना है, सो गई है लग रहा है, कुछ बोल ही नहीं रही है भाई। गूगल चाची बोल रहे वैसे, हाँ बोली। ओके गूगल चाची बोली, लखनऊ विकास क्षेत्र में आपका स्वागत है। ओके सो इलाहाबाद से निकला 10:30, टाइम हो रहा है 2:30, मैं पहुंच चुका हूँ लखनऊ। और ओके सो इलाहाबाद से निकला 10:30 और एक स्टॉप करीब आधे घंटे का लेने के बाद मैं पहुंच चुका हूं लखनऊ। टाइम हो रहा है 2:30 और यहां पे थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा लंच वंच करते हैं और फिर निकलते हैं लखीमपुर खीरी के लिए। अभी मैं हूं अशोक मार्ग रोड पे और यहीं पे मेरा ऑफिस था IDFC फर्स्ट बैंक का। देखते हैं कुछ लोग अगर हों तो मिलते हैं। तो ये अनिल भाई है, सोनू है, पंकज है, आफ्ताब। तो बहुत ही छोटी शॉर्ट मीटिंग रही, लेकिन मज़ा आया तुम लोगों से बहुत दिन बाद मिलके यार। मिलेंगे फिर से कभी, लखनऊ आना हुआ तो यार, ठीक है। बस ऐसे ही मोहब्बत बरकरार रखना भाई। टाइम हो रहा है 4:30 और लंच करके मैं निकल चुका हूँ अपने गंतव्य की ओर, यानी कि अपने लखीमपुर खीरी की तरफ। और लखनऊ से लखीमपुर खीरी की दूरी 135 किलोमीटर, सो इट विल टेक 2.5 hours टू रीच, और मे बी 2 hours अगर रास्ता साफ हुआ बिल्कुल, जो कि पॉसिबल है नहीं क्योंकि शाम का टाइम है, पीक आवर्स में रास्ता साफ होता नहीं है। तो टंकी खाली हो चुकी है, सो अभी टंकी फुल कराते हैं। सैनिटाइज करना जरूरी जरूरी भी है। तो टंकी हो चुकी है फुल। ये क्या कर रहे करते हो? हैं? निकल है उसका, सैनिटाइज करता हूं, मैंने बहुत खराब किया। नहीं बिल्कुल करना चाहिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, क्यों साला किसी चीज में पड़े। तो करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूं सिधौली। लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर पड़ता है सिधौली, और सिधौली में करीब 15-20 मिनट का स्टे मैं हमेशा लेता हूं, और वो इसलिए लेता हूं क्योंकि यहां की चाय और पकौड़े बहुत फेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी है। तो
जनता ढाबा। सो लखीमपुर खीरी मैं तो पहुंच गया भाई 15 दिन के ट्रिप के बाद। बहुत ही मज़ा आया इस 15 दिन के ट्रिप पे। है लखीमपुर खीरी की माल रोड यानी कि मेन रोड, ये मेन रोड के नाम से जानी जाती है। और बहुत सारे शॉप्स हैं और जिस तरीके से जय बजरंगबली महाराज, जिस तरीके से दिल्ली में और अलग जगह पे, जैसे दिल्ली में सरोजनी मार्केट है, वैसे ही बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे खपरैला मार्केट है। इसको बोलते हैं खपरैला मार्केट, खपरैला बाज़ार। तो यहाँ भी वैसे ही है, बस घर पे सिटी के अंदर आने का मतलब सिटी लखीमपुर अगर आते हैं तो यार दिल तो खुश हो ही जाता है। पुलिस वालों की बाइकें भी बंद होती हैं बाबा। ये हमारा टुन्नू सिंह चौराहा। सो मैं पहुंच चुका हूं अभी अपने घर, अपने लखीमपुर खीरी। और चाहता बहुत था कि कुछ और इंटरेस्टिंग करूं, इलाहाबाद भी घूम के आऊं, लेकिन कुछ और प्रोजेक्ट्स मुझे समझ में आ गए तो मैंने सोचा कि यार अभी घर चलते हैं और उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ आपके लिए तैयार करते हैं। और मैं मोस्ट प्रोबेबली कि आपको नेक्स्ट व्लॉग जो भी आने वाला है बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। और बस बनारस के व्लॉग आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहे हो, और पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप लोगों को पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप लोगों को पेज को फॉलो करना है MMM ट्रैवल व्लॉग। यूट्यूब पे आप लोगों को फुल व्लॉग आप लोगों को एंजॉय करने को मिलता है, और इंस्टाग्राम और फेसबुक ट्विटर यहाँ पे आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन पे और एग्जैक्ट टाइमिंग पे, एग्जैक्ट डे पे आप लोगों को पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। आप लोग फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ बढ़िया है, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट व्लॉग विल बी गोइंग टू रॉक रियली। सो बनारस के इस व्लॉग के साथ में बनारस की ट्रिप को भी एंड करते हैं। सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, दुआ वेलकम सलाम सत श्री अकाल, बाय बाय, लव यू ऑल।